ये ढोंगी है ना, इसके पास कुछ शक्तियां नहीं, बिल्कुल ये ढोंगी है, इसके पास कुछ शक्तियां नहीं है, पर ये बताओ कि वो सनातन को जगा रहा है कि नहीं जगा रहा। तुम शक्तियों की बात मत करो, तुम सनातन की बात करो। लाखों की भीड़, अगर ये ढोंगी संत होता तो लाखों की भीड़ इकट्ठी नहीं होती मेरे भाई। तू चुप कर रहे। भीड़ कब से तय करने लगा कि आप अच्छे हैं? सही अभी बात। हमको देखने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? 5 लोग। हम अपना पूरा शरीर का कपड़ा खोल के तुमसे अभी आपसे हम रिपोर्टिंग करेंगे तो यहाँ देखने वाले हमको लोग मिलेंगे 200 हो जाएंगे। अगर हम अंडरवियर भी खोल देंगे और लंगटे जब रोड पे चलेंगे तो 5,000 में बढ़ जाएगा संख्या देखने वालों का। देखने वालों, जितना ज्यादा आप लंगटाई कीजिएगा उतना ज्यादा लोग आपको देखने के लिए भीड़ लगाएगा। अरे भाई, शास्त्री है क्या देश का कि हिंदू राष्ट्र बनाएगा? काहे बनाएगा भाई? उसका बाप छोड़ के गया था कि उसके दादा छोड़ के गए हैं हिंदू राष्ट्र को? उसका दादा कानून लिखा है, संविधान लिखा है, उसका बाप कानून संविधान लिखा है, उसका बाप अधिकार देता है कौन बोलने वाला? सबसे पहले तो ऐसा जो बात बोलता है उसका जवान खींच लेना चाहिए राख लगा के। पहले तो ऐसा जो बात बोलता है उसका जवान खींच लेना चाहिए। बिहार के पागलों का यह महाकुंभ, मेरे पागलों, बिहार के पागलों, मतलब जनता के साथ बिहार के पागलों। कैसा लगा आपको सुन के? कैसे हो बिहार के पागलों? इसका मतलब बिहार का सब आदमी पागल, अब बिहार है पागल खाना। अब बिहार के शास्त्री दुख दूर कर सकते हैं, हाँ हनुमान जी तो दुख दूर कर सकते हैं, लेकिन वो हनुमान जी सब जगह है, कोई जरूरी नहीं कि खाली वही बागेश्वर में ही है। सही बात है, कोई जरूरी नहीं कि खाली वही बागेश्वर में ही है। ये कोई साइंस में तो ऐसा नहीं है, जांचों के बाद ही बताते हैं। जांचों के बाद, लेकिन हम बिना जांच के लेके बैठे। क्या बोला तूने? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अच्छा, जांचों के बाद, लेकिन हम बिना जांच के लेके बैठे कहा है? शरीर में दिक्कत बनी है, खून की कमी, पीलिया बनने के बाद कमजोरी बनी, दिनारी खिलाई गई, जो लीवर पर अफेक्ट है, 2019 से कैंसर बन गया, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। भक्त पर वीडियो लेकर आ चुका हूं और इस अनभक्त का कहना है बागेश्वर धाम चमत्कारी बाबा है, और एक तरफ इस विकास राज ने इस अनभक्त को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर इनकी तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा, महाकाल कसम, आंख की गोटी बना करना अगर मैंने खेल दी तो मेरा नाम आस्था मां नहीं। हाँ, मैं कहती हूँ, ये कहते हैं ना ये ढोंगी है ना, इसके पास कुछ शक्तियां नहीं, बिल्कुल ये ढोंगी है, इसके पास कुछ शक्तियां नहीं है, पर ये बताओ कि वो सनातन को जगा रहा है कि नहीं जगा रहा? अब्बू आ रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री है क्या देश का कि हिंदू राष्ट्र बनाएगा? काहे बनाएगा भाई? उसका बाप छोड़ के गया था कि उसके दादा छोड़ के गए हैं हिंदू राष्ट्र को? उसका दादा कानून लिखा है, संविधान लिखा है, उसका बाप कानून संविधान लिखा है, उसका बाप अधिकार देता है कौन बोलने वाला? सबसे पहले तो ऐसा जो बात बोलता है उसका जवान खींच लेना चाहिए राख लगा के। पहले तो ऐसा जो बात बोलता है उसका जवान खींच लेना चाहिए राख लगा के। मैं कहती हूँ, ये कहते हैं ना ये ढोंगी है ना, इसके पास कुछ शक्तियां नहीं, बिल्कुल ये ढोंगी, इसके पास कुछ शक्तियां नहीं है, पर ये बताओ कि वो सनातन को जगा रहा है कि नहीं जगा रहा? तुम शक्तियों की बात मत करो, तुम सनातन की बात करो। लाखों की भीड़, अगर ये ढोंगी संत होता तो लाखों की भीड़ इकट्ठी नहीं होती मेरे भाई। तू चुप कर रहे। भीड़ कब से तय करने लगा कि आप अच्छे हैं? सही अभी बात। हमको देखने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? 5 लोग। हम अपना पूरा शरीर का कपड़ा खोल के तुमसे अभी आपसे हम रिपोर्टिंग करेंगे तो यहाँ देखने वाले हमको लोग मिलेंगे 200 हो जाएंगे। अगर हम अंडरवियर भी खोल देंगे और लंगटे जब रोड पे चलेंगे तो 5,000 में बढ़ जाएगा संख्या देखने वालों का। देखने वालों, जितना ज्यादा आप लंगटाई कीजिएगा उतना ज्यादा लोग आपको देखने के लिए भीड़ लगाएगा। अरे भाई साहब, धोती खोल रहा है। कहती हूँ, जो भी न्यूज चैनल आज दिखा रहे हैं ना कि वो पखंड कर रहा है, ये सोच की बात होती है। तो भैया, इतने पंडाल में से जो आज दिखा रहे हैं न्यूज पे लड़की के, वो बता देती आपने क्या बोला, वो कल 2-3 संतों को भी दिखा रही थी। तो भैया, वो तो किसी को कहते ही नहीं है कि आप आंखें बंद करो, सोचो, वो तो पर्चा पहले ही तैयार होता है। अच्छा, कहता हनुमान जी के नाम पे हम पर्ची लिखते हैं। लिख पर्ची विकास राज के नाम पे। बजरंग बली पे कॉपी राइट है धीरेंद्र तुम्हारा? बजरंग बली पे कॉपी राइट है धीरेंद्र तुम्हारा? तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, बागेश्वर धाम सच में चमत्कारी बाबा है या फिर ढोंगी बाबा है? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर बागेश्वर धाम वाले बाबा पर। बागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार पहुँच चुके हैं और बिहार जाकर बिहार के लोगों को पागल बताते हैं। तभी बिहार का एक हिंदू शेर भड़क उठता है और बाबा को क्या क्या बोलता है, तो जानने के लिए वीडियो में बने रहना है। तो वीडियो करते हैं शुरू, देखते हैं। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियाँ नहीं होती,
यह सब कपोल कल्पना है, झूठ है, मिथ्या है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, पूरा नहीं मानना सर। और बाबा के दरबार में लोग बेहोश हो रहे हैं। जो आदमी अपने यहाँ आए हुए लोगों को ठीक नहीं कर सकता, उसको अस्पताल जाना पड़ता है, वो आदमी आपकी अन्य बीमारी को ठीक कर देगा, आपसे भूत प्रेत उतरवा देगा। एक नंबर ढोंगी पाखंडी था, एक नंबर ढोंगी पाखंडी। अरे भाई गुस्से में, बच्चा बच्चा को पता होता है गूगल करके कि आज का कितना टेम्परेचर है, कल का कितना होगा, 10 दिन बाद का कितना होगा। सही बात है। तो बुतरू बुतरू को पता है कि कल का कितना टेम्परेचर होगा, इसके लिए पर्ची लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पर्ची लिखने वाला आदमी है उसको ये नहीं पता है कि कल का टेम्परेचर कितना होगा, कि कल का टेम्परेचर कितना होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और बिहार के पागलों का यह ओ महाकुंभ, मेरे पागलो, बिहार के पागलो, मतलब जनता के साथ। बिहार के पागलो, कैसा लगा आपको सुन के, कैसे हो बिहार के पागलो? इसका मतलब बिहार का सब आदमी पागल, अब बिहार है पागल खाना, अब बिहार है पागल खाना। इंटरव्यू दे का रहा है यार बोर्ड में, कि हमारे यहाँ आने वाले सब लोग पागल, यानी वो महापागल, तो यानी वो महापागल। और जो है बिहारी जो है उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देता है, इसका मतलब बहुत डीप है, आप समझिएगा तो गंभीरता से लीजिएगा। लेकिन लोग पूछते उसी को, तो लोकतंत्र में सबको पढ़ने का भी का अधिकार है, होशियार बनने का भी अधिकार है, मूर्ख बनने का भी अधिकार है, मूर्ख बनने का भी अधिकार है, छीनना चाहते हैं। इस पागल खाने में सारे पागल हैं, तो मुख्यमंत्री भी पागल, उप मुख्यमंत्री भी पागल, राज्यपाल भी पागल, हम भी पागल, आप भी पागल, हम भी पागल, आप भी पागल। आज फिर लेकर आ गया हूँ ऐसा वीडियो जिसमें दो बाबा आपस में भिड़ जाते हैं। ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध बाबा हैं जो बहुत ही उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो लोगों का माइंड रीडिंग करके अंदर की बात बता देते हैं, और एक बाबा होते हैं जो उटपटांग जवाब देते हैं। अब इस वीडियो में बने रहिएगा आप। हो सकता है कोई बिना बताए पहले से पूरी जांचें लिख दे, विश्वास है भगवान पर ही। साइंस में है ऐसा कोई? साइंस में तो ऐसा नहीं है, जांचों के बाद ही बताते हैं। जांचों के बाद, लेकिन हम बिना जांच के लेके बैठे। क्या बोला तूने? हम मालूम है तेरे बाप को, मैं सिखा। अच्छा, जांचों के बाद, लेकिन हम बिना जांच के लेके बैठे कहा है? शरीर में दिक्कत बनी है, खून की कमी, पीलिया बनने के बाद कमजोरी बनी, दिनारी खिलाई गई, जो लीवर पर इफेक्ट है, 2019 से कैंसर बन गया, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, पूरा नहीं मानना सर। देखिए, उनके पास जितने भक्त जाते हैं कोई भी उनका भक्त नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और ना हनुमान जी का भक्त है। लोग कहते हैं हनुमान जी के भक्त, हनुमान जी के भक्त भी नहीं है और उनके भक्त भी नहीं है। उन्होंने जो पर्चा बनाना शुरू किया तो उनको जो भी जाता है उसको लगता है शायद कोई ऐसा पर्चा बन जाए कि हमारा दुख दूर हो जाए, शायद कोई ऐसा पर्चा बन जाए कि हमारा दुख दूर हो जाए। लोगों में एक धारणा बैठ गई है कि हम इनके पास जाएंगे तो हो सकता है हमारा दुख दूर हो जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। न धीरेन्द्र के शास्त्री दुख दूर कर सकते हैं, हाँ हनुमान जी तो दुख दूर कर सकते हैं, लेकिन वो हनुमान जी सब जगह है, कोई जरूरी नहीं कि खाली वही बागेश्वर में ही है। सही बात है, कोई जरूरी नहीं कि खाली वही बागेश्वर में ही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई चमत्कारी भी नहीं है, हम चमत्कारी नहीं मानते हैं, और उनकी बातें जो भी है वो भी बचकाना पूर्ण है। सो गाइस, रिएक्शन इधर आई हो भाई, आपने सारी वीडियो एंजॉय करी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ आता रहेगा तुम्हारा भाई, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड जल्दी 5K के पास पहुंचा दो, 4K तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप सबों का, दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, एंड मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, जब तक लिए बाय एंड टेक केयर, सब्सक्राइब।